Vivo V30 Pro को यूज करते हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है एंड 40,000 का आता है ये बैंक डिस्काउंट लगा के, तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करना तो यार बनता है कि फोन डे टू डे लाइफ में परफॉर्म कैसा कर रहा है। सबसे पहली बात एंड अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है इसका कैमरा जो कि ज़ाइस कोलैबोरेशन के साथ आता है एंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे काफी पसंद है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स को भी ये फोन लेके यार फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है। कैमरा रिव्यू इस फोन का मैंने अलग से ही बनाया था और अभी भी आपने नहीं देखा हो तो वो जाके देख लेना। मैं बस कैमरा को यहाँ समअप करूंगी इस वीडियो में कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, तीनों ही सेंसर्स काफी केपेबल है। अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स की जो क्वालिटी है वो आपको 40,000 में कोई दूसरा फोन नहीं देने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कलर साइंस है बिल्कुल मेन कैमरा जैसा ही रहता है एंड स्किन टोन के साथ भी मेसअप नहीं करता है इसका कैमरा। हाँ, फेस थोड़ा वाइटिश जरूर हो जाता है, हल्की सी कम डिटेल रहेगी, लेकिन फिर भी डे लाइट में आउटडोर में आपको काफी डिटेल्ड फोटोज मिल जाती हैं। मेन सेंसर से पिक्स क्लिक करने का अलग ही मजा है। एक तो HDR अच्छा है, दूसरा नेचुरल मोड में जो ज़ाइस की कलर साइंस मिलती है वो काफी इंप्रेसिव है। डिटेल्स हैं एंड ओवर शार्पनिंग नहीं हो रही है, बस फेस पे लाइट का एक्सपोजर जो है वो कभी कभी हैंडल नहीं हो पाता है। 4K 60fps पे आप अल्ट्रा वाइड में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा वाइड हो या फिर मेन कैमरे से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो 4K 30fps पे ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो को। फोन के अलावा दूसरी अच्छी बात है इसका डिस्प्ले। कलर कैलिब्रेशन काफी सही मिलता है, बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेशन आपको डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन सिंगल स्पीकर मिलता है, वो स्टीरियो वाली साउंड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगी एंड वो बेस क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन लाउडनेस आपको एनएफ मिलती है। साथ ही 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है एंड एप्स पे आप सेट भी कर सकते हो कि किन एप्स को आप 120 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हो। स्क्रॉलिंग बहुत ही जबरदस्त एंड स्मूथ है, इंडोर ब्राइटनेस भी एनफ है, आउटडोर में यार बहुत ही हार्श सनलाइट में आपको लगेगा कि हाँ मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, अदरवाइज आपको स्क्रीन पे हमेशा दिखेगा कि क्या चल रहा है। एंड कोई भी कंटेंट जब आप देखते हो, जब आपकी व्यूइंग एंगल चेंज होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई कलर टिंट आपको नजर आता है। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आपको ये कर्व्ड डिस्प्ले में मिलता है एंड कर्व्ड क्या, कई बार फ्लैट डिस्प्ले में भी ऐसा होता है कि साइड से थोड़ा सा देखो ना तो एक कलर टिंट सा दिखाई देता है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो देखो प्रॉब्लम ये है ना कि MediaTek Dimensity 8200 पुरानी चिपसेट है। इस रेंज में लास्ट ईयर के फ्लैगशिप चिपसेट 8 Gen 2 मिल जाता है न्यू 9 प्रो में, OnePlus 12R में एंड हैवी टास्क जैसे कि भी ग्राफिक्स वाले गेम खेलने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो तो जब भी आपका हैवी यूसेज रहेगा, या जैसे कि व्हाट्सएप पे आपका बहुत बड़ा ग्रुप है +50 +100 वाला, तो बहुत सारे मैसेजेस को हैंडल करना बिना हैंग किए, ये सब टास्क आपको Vivo V30 Pro में उतना बेटर नहीं मिल पाएगा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन नहीं है ये, नॉर्मल डेली यूज वाली परफॉर्मेंस ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सोशल मीडिया चला लिया, कॉल अटेंड कर लिया, मूवी देख ली। और एक बात, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड आप वायरलेस माइक कनेक्ट करना चाहते हो इस फोन से तो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं वीवो के साथ। डे टू डे टास्क को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर आप मल्टीपल एप्स को ओपन कर रहे हो, एक के बाद एक यूज कर रहे हो, उसको इजिली हैंडल कर लेता है। हाँ, फोन जब काफी अंडर हैवी लोड होता है एंड हल्का सा वार्म हो जाता है वहां पे आपको जिटरिंग महसूस होगी जब आप एप्स के बीच में स्विच करोगे एंड कभी कभी ऐसा होगा कि इसी चक्कर में आपके जो एप्स हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपका फोन हो जाएगा वार्म, अदरवाइज स्मूथ चलेगा। रैम मैनेजमेंट काफी डिसेंट है, मतलब एक घंटे में अगर आपने 6-7 एप्स ही ऑन करके रखे हैं तो फ्रेम्स वही रहेंगे, उसको रिलोड नहीं करेगा, लेकिन आपने अगर BGMI जैसे गेम को एक घंटे के लिए बैकग्राउंड में रख दिया तो वो रिलोड कर देगा। गेमिंग की बात कर लूं तो वैसे तो ये फोन गेमिंग के लिए बनाया नहीं गया है, लेकिन मैंने काफी गेमिंग कर ली है। 60fps की BGMI गेमिंग आपको मिलती है, स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेलोगे तो अबव 50fps आपको मोस्टली मिलता है, फ्रेम्स कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ यार लैग करता है इवन इफ गेम मोड से आप बूस्ट को ऑन कर दो, बीच बीच में आपको लैग फील होगा, लेकिन अगर आप बस एक कैजुअल गेमर हो, अभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, नो डाउट आप कर सकते हो। सीरियस गेमिंग के लिए नहीं है ये और वीवो वाले क्लेम भी नहीं करते कि ये गेमिंग फोन है। एक और अच्छी बात, गेम खेलते टाइम बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं करती तो बैटरी मैनेजमेंट काफी अच्छा है। इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में भी मुझे 7-8 hours का बैटरी बैकअप मिलता है। मैं सुबह ले जाऊं तो फिर शाम में रात में आके ही मैं चार्ज करती हूँ, एक ही टाइम चार्ज करना पड़ता है। कॉल ड्रॉप्स का भी इशू नहीं है एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी काफी अच्छा काम करता है, स्क्रीन बंद हो जाती है जब कॉल वगैरह आती है एंड नेटवर्क स्पीड भी अच्छी मिल रही है, वाईफाई रिसेप्शन भी अच्छा मिल रहा है, तो
ये तो डे टू डे वाले टास्क है, ये हमारे अच्छे चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर इसका ठीक ठाक है, PontechOS 14, Android 14 मिलता है, एंड 3 इयर्स की आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगी तो Android 17 तक जाएगा, एंड 5-6 मंथ्स में जब Vivo V31 सीरीज आ जाएगी तो आपको एटलीस्ट आउटडेटेड फील नहीं होगा 40,000 लगाने के बाद। लेकिन V27 यूजर्स की कुछ कंप्लेन है कि जब फोन 6 महीने तो अच्छा चलता है लेकिन उसके बाद जब अपडेट्स आते हैं ना, सॉफ्टवेयर इसका लैग करता है, कैमरा में वो बात नहीं रह जाती है। अगर आप भी V27, V29 यूजर हो एंड आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज कमेंट में अपना शेयर करना एक्सपीरियंस की क्या है। बाकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं यार, उसमें एड मिलती है, ये तो PontechOS का है ही, इतना सहना पड़ता है यार। तो अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो एनिमेशन आपको बहुत ही फ्लूइड लगेगा, लेकिन फोन जब हल्का वार्म होता है तो ऐसा होता है कि अपने आप जो टच है वो रिस्पॉन्सिव नहीं रह गया, कुछ भी नहीं हो रहा है एंड एप्स क्रैश कर गए, ऐसा हो जाता है। लेकिन तब जब फोन आपका हो जाता है वार्म, एक चीज और अच्छी है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी तगड़ा है, इतना जल्दी खुलता है, अगर आप हाथ गीला करके भी आ रहे हो ना तो यार ओपन कर देता है, लेकिन फोन क्योंकि बड़ा है ना तो जो हाथ है कई बार नीचे तक पहुंचता नहीं है, इसकी प्लेसमेंट काफी नीचे दी गई है। एक चीज जो बेकार लगती है वो इसका हैप्टिक फीडबैक, वाइब्रेशन वाली गंदी मोटर लगा के बैठे हैं ये लोग, इसीलिए वाइब्रेशन को ऑफ करके रखना क्योंकि टैपिंग के टाइम फिर बहुत गंदा फील होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको 40,000 में बेस्ट कैमरा फोन चाहिए, Vivo V30 Pro से बेस्ट कैमरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि Oppo Reno 11 Pro भी आता है लेकिन उसका कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है जितना इसका अच्छा है। लेकिन अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, तब आप इसको अवॉइड कर सकते हो, तब आप OnePlus 12R की तरफ जा सकते हो, Nothing Phone 2 की तरफ जा सकते हो, ये सब फोन्स आपको 40,000 के अंदर मिल जाएंगे। वेल सो मेक अ वाइज डिसीजन। वैसे मैं हूँ सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहाँ आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स, और हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यू में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।